22 जनवरी को श्री राम का आगमन अयोध्या में हो रहा है। इस मौके पर देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। जमशेदपुर में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मंदिरों में भगवान राम के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। राम के परम भक्त हनुमान, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती, माँ दुर्गा, भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण और सीता माता को ठंड से बचाने के लिए अब सभी मंदिरों में भगवान को कंबल, टोपी, गर्म कपड़े पहना दिए गए हैं। पुजारियों का कहना है कि जमशेदपुर के मंदिर के भगवान को अयोध्या जाने के दौरान ठंड न लगे और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों का भी कहना है कि जब हम इंसान को ठंड लगती है तो हमारे देवी देवताओं को भी ठंड लग सकती है, इसलिए ठंड से बचाने के लिए भगवान को कंबल, टोपी और गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। वहीं पुजारी का साफ तौर पर कहना है कि धरती के सभी भगवान 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और शाम को अपनी अपनी जगह पर पुनः विराजमान होंगे, जिसके बाद पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाएगा। उनका भी मानना है कि 22 जनवरी को अयोध्या जाने में उनके भगवान को किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, उसके लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया गया है। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, उसी समय 11 बजे से भगवान श्री रामचंद्र जी को स्नान ध्वान नूतन वस्त्र पहनाया जाएगा और खूब सुंदर से बाल भोग यहाँ तैयारी की गई है। पूरी, हलवा और पूरी मंदिर को पुष्प से सजाई जाएगी और बाबा को नूतन वस्त्र के साथ साथ सारे लोग एकत्रित होंगे यहाँ पर और भगवान की पूजन और अर्चना होगी और संध्या के समय में दीपावली हम लोग ऊपर से नीचे तक दीपक सजाएंगे और खूब सुंदर से आरती होगी, पूजन होगी, मंगलमय होगा। और पूरी ये बनाया गया कि श्री रामचंद्र जी का राम प्रतिष्ठा होने जा रहा है और हमारे जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पर मानेंगे नहीं, ये भी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इसलिए नदी नाला जंगल होते हुए निकलेंगे और ठंड तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से है। तो हम सब हिंदूवासी सनातनियों का मन में था कि जब हमें ठंड लग रही है तो देवताओं को क्यों नहीं, तो बाबा आप ऐसा करो कि भगवान को आप कंबल उड़ाओ। यही देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे भगवान जी लोग को कंबल उड़ाया गया, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को ठंडा लगता है उसी तरह भगवान जी लोग को भी लगता है, इसलिए हम लोग को भी कंबल उड़ा के रखे हुए हैं। अयोध्या तो अभी नहीं जा पा रहे, लेकिन वहाँ पे जब हम भगवान जी लोग जाएंगे फिर जब वापस आएंगे तो हमारे लिए आशीर्वाद लेके आएंगे, बाद में ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। प्रतिष्ठा में हमें ही नहीं, बच्चों को बेसब्री से इंतजार है, वो एक एक दिन करके गिन रहे हैं कि किस दिन 22 तारीख आए कि हम लोग दिवाली की तरह उनका उत्सव मनाए। और उनका आगमन तो खैर पूरे हिंदुस्तान में राममय हो चुका है, कोना कोना में हर जगह देखिए तो जय श्री राम का नारा ही लग रहा है। और स्पेशली बच्चों लोगों को तो और ही है इंतजार कि घर में उस दिन वो दिवाली के जैसे उनका स्वागत करेंगे और उनका गुणगान करेंगे। और मंदिर में आके तो क्या कहना, मंदिर आके तो लगता है कि बस राम जी आने ही वाले हैं, एकदम दिल से ही एक एक दिन ऐसा लग रहा है कि बस राम जी का ही प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हो करके सबको इंतजार है, स्पेशल इंतजार है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।